अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर एक शेयर होल्डर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उसके पास 1000 शेयर्स हैं और उसको भी राइट आई राइट की ऑफर आ गई कि 250 शेयर उसको मिल सकते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये 250 शेयर्स लेना चाहे तो ये 20 रुपए देगा अपनी कंपनी को और 250 शेयर्स ले लेगा जिसकी मार्केट प्राइस 30 रुपए की है और जो लग रहा है कि राइट इशू के बाद 28 तक तो आ ही जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं अगर ये व्यक्ति एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सोचे कि मुझे शेयर्स लेने नहीं है नहीं और ये अपनी राइट को अगर रिनाउंस करना चाहे, एक बच्चा कहता क्या बोले रिनाउंस रिनाउंसमेंट रिनाउंस रिनाउंस रिनाउंसमेंट करना चाहे मतलब अपनी राइट को देना चाहे तो मेरे को एक चीज बताइए फिर कैसे करेगा, या ये अपने दोस्त को जब रिनाउंस करेगा तो कितने पैसे उससे चार्ज करेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वैल्यू ऑफ रिनाउंसमेंट, वैल्यू ऑफ रिनाउंसमेंट पूछ रहा हूं वो कितनी होगी। मतलब एक शेयर होल्डर जब अपनी राइट को रिनाउंस कर रहा है और सामने वाले को दे रहा है तो आप ये बताइए वो कितने पैसे चार्ज कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मान लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रामलाल है और नया शेयर होल्डर उसका दोस्त श्यामलाल है, तो रामलाल श्यामलाल से कितने पैसे चार्ज कर सकता है ये निकालना है। रामलाल श्यामलाल से रिनाउंसमेंट के, बेटे जो श्यामलाल है 20 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे कंपनी को, उसकी बात ही मैं कर रहा, श्यामलाल को 20 रुपए कंपनी को देने ही पड़ेंगे। मैं पूछ रहा हूं रामलाल श्यामलाल से वो राइट देने के लिए रिनाउंस करने के लिए कितने पैसे ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर सकता है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, 8 रुपए ज्यादा से ज्यादा वो चार्ज कर सकता। कैसे? क्योंकि वो जो चीज दे रहा है उसकी मार्केट वैल्यू 28 रुपए की होगी और उस व्यक्ति को श्यामलाल को वो 20 रुपए में मिलेगी, तो बेटे श्यामलाल को 8 रुपए का फायदा हो गया भाई, 28 रुपए की हो जाएगी और वो खरीदेगा 20 रुपए की, तो मैक्सिमम फायदा कितने का हो सकता है 8 रुपए का। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम वो रिनाउंसमेंट की राइट चार्ज करना चाहे तो बेटे 8 रुपए की चार्ज कर सकता है। इट मीन्स मैक्सिमम 8 रुपीज कैन बी चार्ज्ड बाय रामलाल फ्रॉम श्यामलाल एज वैल्यू ऑफ रिनाउंसमेंट। बस बेटे यही है, तो मैंने वो अब 28 रुपए आपको पेपर में दिए नहीं होंगे बेटे, 28 रुपए निकालने होंगे, इसको बोलते हैं पोस्ट राइट प्राइस। बेटे 30 गिवन होंगे, वो बेटे 20 भी गिवन होंगे इशू प्राइस, वो बेटे एक्सचेंज रेशियो भी दी होगी। और कई बार इंस्टीट्यूट आपसे ये पूछेगा कि रामलाल अगर ना तो शेयर्स ले और ना रिनाउंस करे तो वो अमीर बनेगा या उसके बाद गरीब बनेगा, अमीर बन जाएगा या गरीब बनेगा। तो बेटे आज हमने इन्हीं बातों को डिस्कस करना है, आप प्लीज ईमानदारी से एक बार वो कंसेप्ट्स ना भी देखें जो मैंने लिखवाया है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर मुझे लगता है कि हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो आइए जी हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटे, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, पहला क्वेश्चन देखिए जी मेरी किताब का पेज नंबर बेटे पेज 348 है। फर्स्ट क्वेश्चन, बीटा लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। आराम से बेटे क्वेश्चन निकाल लीजिए, सीए सीएस सीएमए में सब में आ चुका है, वैसे आपने कंपनी अकाउंट्स में भी किया होगा। कंसेप्ट 1 to 9 जो मैं बताऊंगा भले आपने अभी पूरे लिखे नहीं है,
क्योंकि आप नाराज हो गए थे, फिर मैंने कहा चलो मैं पहले समझा देता हूँ। अभी मैंने उन कंसेप्ट का यूज भी नहीं किया, मैंने तो समझा दिया और उस समझाते हुए बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर हम वो कंसेप्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन टू करेंगे उसके बाद। चलिए जी क्वेश्चन फर्स्ट आराम से देखते हैं। बीटा लिमिटेड हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द करेंट मार्केट प्राइस इज ₹30। अंडरलाइन कर दीजिए बेटे, जो मैंने केस स्टडी दी है वो यही फिगर्स ली है ताकि आपके माइंड में जा रहा है। द कंपनी हैज अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ वन शेयर फॉर फोर हेल्ड। बेटे रेशियो भी वही ली मैंने, 1:4 फॉर ₹20। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थ्योरिटिकल। बेटे क्योंकि ये सारी बातें तो प्रैक्टिकली तो राइट इशू के बाद ही पता चलेंगी, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं थ्योरिटिकल। कैलकुलेट द थ्योरिटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर। सेकेंड, कैलकुलेट द थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन, मतलब रेनाउंसमेंट की राइट। शो द इफेक्ट ऑफ राइट इश्यू ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हु हैज 1,000 शेयर्स, अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट। एंड शो द इफेक्ट इफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर द इशू। आराम से बेटे, मैंने नीचे आंसर लिख दिए, कोई जल्दी है ही नहीं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ईमानदारी से करेंगे, ये चैप्टर ही दो लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, 2-3 घंटे का काम है, कोई मुश्किल तो है भी नहीं। पढ़िए आप, पढ़ लीजिए, हम वर्किंग नोट बनाएंगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां लिख दिया, वर्किंग नोट नंबर 1। मैं पहले वर्किंग नोट बना रहा हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है बीटा लिमिटेड। बेटे इसके पास N0, अब मैं सिंपल यूज कर रहा हूं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं N0। तो बेटे ₹10 का एक शेयर है, और मार्केट प्राइस, बेटे मैं जीरो लिख रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं कि मार्केट प्राइस प्रायर टू राइट इश्यू है ₹30। और बेटे 1:4 की रेशो है एट द रेट ऑफ 20। आराम से बेटे ये प्राइस तो निकालना ही होता है, इसको बोलते हैं MPS 1, मतलब MPS 0 समझ लें। ये हो गया जी मार्केट प्राइस प्रायर टू राइट इशू, और MPS 1 ये हो गया जी मार्केट प्राइस पोस्ट टू राइट इशू। एक चीज हो गई प्रायर टू राइट इशू और एक चीज हो गई पोस्ट टू राइट इशू। तो MPS 1 बेटे ये तो निकालना ही है, आराम से बेटे। तो यहां पर भी इसके बेसिस में 2,500 राइट शेयर्स इशू किए जाएंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा एन। इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं बेटे डेल्टा एन, 2,500। और बेटे N1 क्या होगा, 12,500। कैसे आया, 10,000 प्लस 2,500, 12,500, 12,500 इक्विटी शेयर्स। तो 10,000 प्लस 2,500, इसको बोलते हैं N1।
इसको बोलते हैं एन जीरो, इसको बोलते हैं डेल्टा एन। तो बेटे एन वन क्या होगा, एन जीरो प्लस डेल्टा एन इज इक्वल टू एन वन। अब बेटे मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, और उसको निकालने के लिए हम एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, या वो जो स्टेप्स मैंने बताए उनको भी यूज कर सकते हैं। एक बार वो स्टेप्स अगर आप खोल लें तो मैं वो स्टेप्स बता दूं कि कैसे हमने बताए थे। ये देखिए कि मैंने आपको बताए थे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन सब्सक्राइब द राइट शेयर्स इन फुल, और मे इग्नोर द राइट इशू, और मे रिनाउंस द राइट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास कुछ भी करने का हक है, या तो चुप बैठ जाए या रिनाउंस कर दे या खरीद ले। तो अगर वो रिनाउंस करता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसकी वेल्थ में कहां चेंज आता है। ये देखिए राइट इशू से पहले और राइट इशू के बाद टाइमलाइन प्रिपेयर की। फिर बेटे मैंने कहा कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करो, जैसे पहला स्टेप है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू से पहले की वैल्यू निकाल लो। वी जीरो इज इक्वल टू एन जीरो पी जीरो, कैलकुलेट राइट इशू प्रोसीड्स डेल्टा एन इंटू राइट इशू प्राइस 20 रुपए जो यहां पर है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 आप उनका एवरेज निकाल लो, कैलकुलेट पोस्ट राइट प्राइस दैट इज एवरेज ऑफ स्टेप 1 एंड 2, और फिर पोस्ट राइट वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, आइए हम सभी इन्हीं चीजों को यूज करें और आगे चलें। चलते हैं जी, आइए ये केस स्टडी लिख ली, वर्किंग नोट बना लिया जी, चलो जी शुरू करते हैं। मेन आंसर में आ जाए और लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस 1 मतलब पोस्ट राइट इशू प्राइस। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं जी स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड की एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालो। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स इनटू, बेटे एक शेयर 30 रुपए का है, ये आ गया जी 3 लाख। एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बीटा 3 लाख रुपए आ गया स्टेप नंबर 1। बेटे अब मैं क्या करूंगा, राइट इशू से कितने पैसे मिलेंगे उसको देखूंगा। तो स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट राइट इशू प्रोसीड्स, राइट इशू से कितनी प्रोसीड्स मिलेंगी। बेटे 2500 इक्विटी शेयर तो समझ आ गया, इनटू 20 रुपए राइट इशू प्राइस 20 रुपए इज इक्वल टू 50,000 रुपए। आराम से बैठे ये कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने, ये आ गया जी 2500 शेयर्स हैं, 50,000 रुपए आ गए। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट पोस्ट राइट इशू, कैलकुलेट पोस्ट राइट इशू प्राइस,
राइट इशू के निकालने के बाद का प्राइस निकाल दीजिए, स्टेप नंबर थ्री। कोई दिक्कत नहीं है जी, एवरेज कर लेंगे। तो मैं कर रहा हूं जी स्टेप नंबर वन, 3 लाख शेयर्स, 3 लाख की वैल्यू थी, फिर 50,000 राइट शेयर्स इशू किए अपॉन 10,000 शेयर्स थे, फिर 2,500 इशू किए इज इक्वल टू 3,50,000 अपॉन 12,500। चेक करिए जी क्या 28 रुपये आ रहा है। बेटे मैंने जान के वो 28 ही लिखी थी, लिया था, ये लीजिए 3,50,000 अपॉन 12,500 बेटे 28 रुपये आ रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटे पोस्ट राइट इशू प्राइस। पोस्ट राइट इशू प्राइस आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, पहला आंसर भी आने वाला है। पहला तो निकाल ही दिया, तो मैं लिख रहा हूं जी थ्योरिटिकल पोस्ट राइट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू 28 रुपए। बेटे इसको हम एमपीएस वन भी बोलते हैं। अब मुझे बताइए जी पोस्ट राइट इशू प्राइस मैं अगर इस चित्र में लिख दूं 28 रुपए का है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि रामलाल या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर ये राइट रेनाउंस कर दे तो कितना रुपए मैक्सिमम ले सकता है। वही केस स्टडी है बेटे, 20 रुपए में उसको मिलेगा नए शेयर होल्डर को, नए उसके श्यामलाल के दोस्त के दोस्त को श्यामलाल को, और 28 रुपए वैल्यू हो जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं बेटे, क्या लिखूं बेटे, वैल्यू ऑफ राइट अलोन, वैल्यू ऑफ राइट अलोन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रिनाउंसमेंट। वैल्यू ऑफ राइट अलोन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रिनाउंसमेंट, दैट इज पोस्ट राइट इशू, पोस्ट राइट इशू प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। आराम से बेटे 28 रुपए माइनस 20 रुपए, पोस्ट राइट इशू प्राइस 28 रुपए है और राइट इशू प्राइस 20 रुपए है, तो बेटे 8 रुपए आपके सामने यहां पर आ गया। क्या क्या आ गया बेटे, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट। तो सेकंड पार्ट भी कर दिए, फिर लिखा हुआ जी शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, अंडरलाइन कर दीजिए वेल्थ, हु हैज 1000 शेयर्स अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट। ठीक है जी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड पार्ट, इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन वेल्थ, इफेक्ट और चेंज इन वेल्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस ऑफ वेल्थ। बेटे लिख चुके आप, आपको स्टेप्स में लिखवाया था वेल्थ प्रायर टू राइट इशू माइनस वेल्थ पोस्ट टू राइट इशू। बेटे इन्हीं का तो डिफरेंस होगा, चेंज इन वेल्थ तो यही होगी, बेटे पहले कितनी थी
अब कितनी हो गई और अंतर कितना है। आराम से बेटे लिख लो, कोई जल्दी है ही नहीं, एक क्वेश्चन कम कर लेंगे बेटे, लिखो। लिख लिया जी। अब मैं यहां पर करने जा रहा हूं शुरू, वेल्थ प्रायर टू राइट इशू, वेल्थ प्रायर टू राइट इशू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो देख रहे हैं बेटे, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस, इंटू मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू या प्रायर टू राइट इशू, कुछ भी लिख सकते हैं बेटे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन जीरो इंटू पी जीरो इज इक्वल टू एन जीरो पी जीरो। लो बेटे, तो ये कैसे आ गई बेटे, 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 30 रुपीस। तो बेटे ए बेटे 3,00,000 रुपए आपके सामने आ गए। अब ये मैंने वेल्थ निकाली है टोटल, अब मैं अगर उस शेयर होल्डर की निकालू तो मैं लिख रहा हूं वेल्थ प्रायर टू राइट इशू ऑफ दैट शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर के लिए। ठीक है जी, तो 1,000 शेयर्स उसके पास हैं, 30 रुपए का एक शेयर है, तो बेटे 30,000 रुपए की वेल्थ हो गई, वेल्थ प्रायर टू राइट इशू। अब हम लिख रहे हैं कि वेल्थ पोस्ट टू राइट इशू, वेल्थ पोस्ट टू राइट इशू ब्रैकेट में उसी शेयर होल्डर की, ऑफ दैट शेयर होल्डर ओनली इफ ही रिनाउंसेस इज राइट। इसमें क्या लिख रहे हैं, इफ ही रिनाउंसेस his right of 250 shares, क्योंकि बेटे उसके पास 1,000 shares है ना, तो 250 ही मिलेंगे ना उसको। तो बेटे post issue के बाद भी उसके पास तो 1,000 shares ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि उसने लिए ही नहीं वो बेटे। लेकिन मार्केट प्राइस 28 रुपए हो गई और बेटे उसने 250 shares रिनाउंस कर दिए और बेटे 8 रुपए एक शेयर पे ले लिया। आराम से देख लीजिए, 30,000 रुपए ही आ रहा है, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए ही आ रहा है। तो बेटे पहले भी उसकी वैल्यू 30,000 ही थी, अभी भी 30,000 है, तो नीचे लिखिएगा द मैनेजमेंट और इन्वेस्टर मे बी एडवाइज्ड दैट चेंज इन वेल्थ विल बी निल, चेंज इन वेल्थ विल बी निल, चेंज इन वेल्थ विल बी निल इन केस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर रिनाउंसेस, रिनाउंसेस हिज राइट।
लो सर, मैंने थर्ड बार कर दिया जी, मैं फोर्थ बार की तैयारी में हूँ, आप लिख लें। अब मुझे बताएं कि थर्ड में और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, क्या पूछने में क्या डिफरेंस? फोर्थ में लिखा है कि अगर वो इग्नोर कर दे, मतलब ना तो वो राइट शेयर्स ले और ना रिनाउंस करे, इग्नोर भी कर दे, क्योंकि कुछ भी कर सकता है, तो ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वेल्थ इफ ही इग्नोर्स। वेल्थ प्रायर टू राइट इशू, वेल्थ पोस्ट टू राइट इशू। बेटे एन जीरो पी जीरो, बेटे 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 एन जीरो पी वन, और बेटे बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी ना तो उसने रिनाउंस किया और ना कुछ लिया बेटे। तो देखिए जी, 10,000 1,000 शेयर्स थे, 30 रुपए का 30,000 रुपए माइनस एन जीरो एन जीरो, बेटे 1,000 शेयर्स ही रह गए उसके पास, क्योंकि उसने ना तो लिए ना दिए, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 28,000 रुपए की। यहां देख लीजिए 2,000 रुपए लिख लीजिए, देयर इज अ डिक्लाइनिंग इंपैक्ट, देयर इज अ डिक्लाइनिंग इंपैक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ रुपीज 2,000। बेटे आराम से देखो, कोई जल्दी की नहीं मैंने, मैंने कहा आराम से आप पहले कर लो, कर लो बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया मैंने, और जिन बच्चों ने कर लिया ऐसी महान आत्माएं क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन टू भी करना है और क्वेश्चन थ्री भी करना है। चलिए जी, पहले क्वेश्चन टू पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसी महान आत्माएं राइट शेयर्स की बातें कर रही हैं। चलिए जी, चलिए प्लीज, चलिए आगे चलिए। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, दोस्तों मैंने कहा था कि एक बार आप पढ़ लें क्वेश्चन नंबर टू को। क्वेश्चन नंबर टू दोस्तों मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, प्लीज जरा देख लीजिएगा, राइट शेयर्स के बारे में है, और मुझे उम्मीद है कि आप कर भी चुके होंगे, मैं फिर भी थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा। क्वेश्चन नंबर टू मैंने लिख दिया वर्किंग नोट वन, चलो जी दरवाजा बंद करेंगे। वर्किंग नोट नंबर वन, एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली सेलिंग एट 13 रुपीज पर शेयर। बेटे एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, इसके बेटे जो शेयर्स हैं, इसके जो शेयर्स हैं वो बेटे मार्केट प्राइस पर शेयर 13 रुपए का है जो बिक रहा है। देयर आर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, बेटे इसके 10 लाख शेयर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख, बेटे 10 लाख शेयर्स हैं और ये कंपनी 20 लाख रुपए और रेज करना चाहती है नए प्रोजेक्ट के लिए। तो व्हाट इज द एक्स प्राइस, एक्स राइट प्राइस of rights if the firm offers, if the firm offers one right share for every two shares, if the firm offers one right share for four held, how does the shareholder wealth change from first to second, and how does the right issue increases shareholders wealth? ठीक है बेटे, एक बात बताऊंगा, ये P zero को हम generally ये भी बोलते हैं कम राइट इशू प्राइस। राइट इशू से पहले का जो प्राइस है
हम उसको कम राइट इशू प्राइस भी बोलते हैं, और राइट इशू के बाद का जो प्राइस है हम उसको एक्स राइट इशू प्राइस भी बोलते हैं, एक्स राइट इशू प्राइस भी बोलते हैं। तो बेटे मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं, मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं कि कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग, जैसे आप करते थे इन उसमें डिबेंचर्स में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, और बेटे एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। तो चलिए जी, चलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तो प्राइस होता है कम राइट इशू प्राइस और एक होता है एक्स राइट इशू प्राइस, ठीक है जी। तो वो कह रहा है जी एक्स राइट इशू प्राइस निकालिए, एक्स राइट इशू प्राइस निकालिए, एक्स राइट इशू प्राइस निकालिए, एक्स राइट इशू प्राइस निकालिए। तो आइए मैं वर्किंग नोट वन आपके सामने मैंने प्रिपेयर किया है। तो रेशो दी हुई है पहली 1:2, 1:2 की रेशो रहे अगर, ठीक है जी। पढ़ लिए, लिख लिया बेटे। चलिए मेरा आंसर शुरू करें, आओ बेटे आओ। मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट राइट इशू प्राइस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट राइट इशू प्राइस। इफ एक्सचेंज ऑफर इज, इफ एक्सचेंज रेशो इज 1:2, दैट इज 5 लाख राइट शेयर्स आर बीइंग इशूड, अगर 5 लाख राइट शेयर्स आर बीइंग इशूड तो फिर क्या होगा, वो निकालने जा रहे हैं बेटे। चलिए जी शुरू कर रहे हैं। स्टेप नंबर वन, वैल्यू ऑफ एबीसी प्रायर टू राइट इशू, दैट इज 10 लाख शेयर्स इंटू 13 रुपीज, 10 लाख इंटू 13, 10 लाख इंटू 13, 10 लाख इंटू 13, और चलिए बड़े नीचे रखना होना। तो बेटे 10 लाख शेयर्स इंटू 13 इंटू 13 ये आ गया बेटे 130 लाख, या 1 करोड़ 30 लाख। ये लो ₹130 लाख, ₹130 लाख।
स्टेप नंबर वन वैल्यू ऑफ एबीसी प्रायर टू राइट इशू। अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर टू, अब मैं आ रहा हूं स्टेप नंबर टू। नंबर क्या राइट इशू प्रोसीड्स, राइट इशू प्रोसीड्स क्या होंगी? 5 लाख शेयर्स को अगर मैं 4 रुपए के बेसिस पे करूं तभी 20 लाख आएगा। इसका मतलब इश्यू प्राइस 4 रुपए है, इसका मतलब इश्यू प्राइस 4 रुपीज है। स्टेप नंबर थ्री वैल्यू ऑफ एबीसी आफ्टर राइट इशू, राइट इशू के बाद, आफ्टर राइट इशू, राइट इशू के बाद। ठीक है जी, तो चलते हैं जी शुरू करते हैं। 130 प्लस 20 बेटे 150 लाख, 150 लाख, 150 लाख अपॉन बेटे 15 लाख शेयर्स हैं। तो देखिए जी ये कितना आ गया, ये कितना आ गया जी, ये बेटे 10 रुपए आ गया। ये आ गया जी 10 रुपए। तो मैं लिख रहा हूं पोस्ट राइट इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹10। लो बेटे ये मैंने बेटे यहां पे कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर 4 हेल्ड, 4 के बदले में 1। पहले था 2 के बदले में 1। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू